वेलकम बैक टू अ फ्रेश न्यू वीडियो। और इस वीडियो में अनबॉक्स एंड रिव्यू करने वाला हूँ स्टील बर्ड का लेटेस्ट जय श्री राम एडिशन हेलमेट। वैसे तो अभी के लिए ये चैनल ऑलमोस्ट टेक चैनल बन चुका है, काफ़ी सारे स्मार्टफोन्स वगैरह गैजेट्स वगैरह के रिव्यू देखने को मिलते हैं आपको इस चैनल पर, लेकिन स्टील बर्ड से हमारा पुराना नाता है बिकॉज स्टार्टिंग डेज में हेलमेट्स के मैंने कई सारे रिव्यू किए थे, अच्छे वीडियोस चले थे और तब से स्टील बर्ड का कोई भी लेटेस्ट हेलमेट वगैरह लॉन्च होता है तो हमेशा ही स्टील बर्ड कॉन्टैक्ट करते हैं और मैं उनको हमेशा ही हाँ बोल देता हूँ बिकॉज पहले तो मुझे हेलमेट्स काफ़ी ज़्यादा पसंद है और सुरक्षा के नज़रिए से भी हेलमेट बहुत ज़रूरी है बिकॉज 2021 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 47,000 से ज़्यादा लोगों की जान गई थी हेलमेट ना पहनने की वजह से। सो मुझे लगता है ये एक मस्ट है प्रोडक्ट है, सभी को एक हेलमेट बाय करना चाहिए अगर टू व्हीलर पर राइड करते हैं। और जब हेलमेट्स की बात आती है तो मुझे पर्सनली स्टील बर्ड इसलिए पसंद है बिकॉज स्टील बर्ड प्योरली इंडियन ब्रांड है, काफी प्रीमियम से अट्रैक्टिव से डिजाइन मिलते हैं स्टील बर्ड की तरफ से, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। अभी के लिए जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक होता है उसको लेकर भी स्टील बर्ड की तरफ से हेलमेट देखने को मिलते हैं। वैसे काफी सारा टैग भी होता है स्टील बर्ड के हेलमेट्स में, सो सब कुछ देखते हैं क्विकली। तो सबसे पहले अनबॉक्सिंग देख लेते हैं। तो यहां पर मुझे जो बॉक्स मिला वो कुछ इस तरीके से था, स्टील बर्ड की ब्रांडिंग थी इस पर, साइड यहाँ पर एक स्टिकर था जिसके ऊपर काफी सारी इन्फॉर्मेशन थी और बॉक्स के अंदर से हेलमेट मिला मुझे कुछ इस तरीके से रखा हुआ। अभी स्टार्ट करें इसके डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से। तो अभी के लिए ये तो है मेरे पास स्टील बर्ड का SBH 34 जय श्री राम एडिशन का मैट ब्लैक कलर वेरिएंट, जहां पर के ऑरेंज और सिल्वर कलर के डिकेस जैसे देखने को मिलते हैं डिजाइन वगैरह जो है, लेकिन मैं बता दूं आपको ये डिकेस नहीं है, कोई भी स्टिकरिंग वगैरह नहीं है, एक तरीके से एम्बॉस्ड प्रिंट है जो कि काफी अच्छी क्वालिटी का है। ऑल अराउंड हेलमेट पर जय श्री राम, श्री राम मंदिर और यहाँ पर राम जी का भी एक पिक्चर जैसा दिया हुआ है और हनुमान जी भी दिए हुए हैं यहाँ पर, काफी अच्छा सा डिजाइन है और डिटेल्स वगैरह भी काफी अच्छे से देखने को मिलती हैं करीब से अगर देखते हैं तो। वैसे इसके अलावा एक मैट ऑरेंज कलर वेरिएंट और ग्लॉसी फिनिश में भी ब्लैक कलर और ऑरेंज कलर मिल जाता है, सो आप अपने चॉइस के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, बेस्ट बाय लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट हेलमेट के फीचर्स की बात करूं तो सामने की तरफ यहाँ पर एयर इनटेक मिलता है, टॉप पर भी यहाँ पर एक एयर इनटेक मिलता है जिसके जरिए एयर सर्कुलेशन मिल जाता है हेलमेट के अंदर, खासतौर से समर में जब हेलमेट के अंदर स्वेट वेट आता है ना तो ये काफी हेल्पफुल होता है। हेलमेट के पीछे की तरफ अट्रैक्टिव से डिजाइन का एक स्पॉइलर जैसा दिया हुआ है जिसके पीछे रिफ्लेक्टिव यहाँ पर मटेरियल दिया हुआ है, लाइट जब पड़ेगी तो अच्छे से रिफ्लेक्ट करेगा। बाकी स्टील बर्ड हेलमेट्स में प्रैक्टिकलिटी का काफी ध्यान रखते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो वाइजर है बड़े आराम से आप इजिली निकाल सकते हैं, लगा सकते हैं। वैसे तो अभी यहाँ पर क्लियर वाइजर मिलता है, अगर आपको चाहिए स्मोक्ड वाला मतलब कि टिंटेड वाला वाइजर वो भी सेपरेटली मिल जाता है, उसको बाय करके लगा सकते हैं दिन में राइड करने के लिए। वैसे इस वाले हेलमेट में मुझे नहीं लगता आपको जरूरत पड़ेगी टिंटेड वाइजर की बिकॉज यहाँ पर मिलता है एक और हाफ वाइजर जो कि डार्क टिंटेड है, डे में इस्तेमाल कर सकते हैं, काफी सही रहता है। वैसे दोनों ही वाइजर स्क्रैच रेसिस्टेंट है और जो क्लैरिटी है वो काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। बाकी हेलमेट को जब पहनते हैं तो कुछ इस तरीके से लॉक कर सकते हैं, क्विक रिलीज लॉकिंग मैकेनिज्म मिलता है, बड़े आराम से अनलॉक कर सकते हैं स्ट्रैप को। वैसे अभी के लिए है मेरे पास 600 mm मतलब कि एल साइज का हेलमेट जो कि मेरे लिए परफेक्टली फिट था। आपके लिए कौन सा फिट होगा तो साइज चार्ट आपके डिस्प्ले पर शो कर रहा है, आप थोड़ा सा मेजरमेंट करके अपने साइज का फिक्स हेलमेट मंगा सकते हैं। वैसे एक छोटी सी राइड करके टेस्ट किया मैंने हेलमेट को, बीच बीच में आपको शॉर्ट्स देखने को मिल रहे होंगे, तो हेलमेट मुझे पर्सनली काफी ज्यादा कंफर्टेबल लगा, फिट काफी अच्छा था, कुशनिंग भी अंदर की तरफ काफी अच्छी क्वालिटी की मिल जाती है। हेलमेट का वेट करीब 1100 ग्राम्स के अप्रोक्स है तो लाइट वेट है, लॉन्ग राइड्स में भी बड़े आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन लाइट वेट का मतलब ये नहीं है कि हेलमेट जो है स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है, यहाँ पर हाई इंपैक्ट रेसिस्टेंट थर्मो प्लास्टिक सेल का इस्तेमाल हुआ है हेलमेट को बनाने में, जिससे कि स्टील बर्ड के सभी हेलमेट बनते हैं ISI मार्क्ड भी है हेलमेट। बाकी यहाँ पर हाइजीन का भी काफी अच्छे से ध्यान रखते हैं स्टील बर्ड। हेलमेट के अंदर ये जो इनर कुशनी मटेरियल है ये डिटेचेबल है, जब भी कुछ टाइम यूज करने के बाद गंदा हो जाए तो इसको निकाल कर धोकर वापस से लगा सकते हैं, वॉशेबल है जो कि काफी सही चीज है। और फाइनली अगर मैं सम अप करूं तो स्टील बर्ड का SBH 34 इसका मॉडल नेम है, इसका जय श्री राम एडिशन ये वाला हेलमेट रेगुलर प्राइस में तो करीब 1349 के अप्रोक्स मिल जाएगा, लेकिन हो सकता है आपको डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा कभी कभार 100 से 200 रुपए का, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप चेक कर लेना। लेकिन इस प्राइस के हिसाब से मैं बोलूंगा हेलमेट जो है ओवरऑल अगर आप देखें तो डिजाइन काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। श्री राम जी के भक्त हैं तो कुछ भी सोचने समझने की जरूरत नहीं है, जरूर से आप इस हेलमेट को दौड़ के भाग के बाय कर सकते हैं। बाकी अगर थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी सोचेंगे तो काफी अच्छे फीचर्स मिल रहे हैं, बिल्ड क्वालिटी फिनिशिंग काफी अच्छी है हेलमेट की, तो मैं तो बोलूंगा एक काफी वैल्यू फॉर मनी हेलमेट है जिसको आप डेफिनेटली बाय कर सकते हैं, सेफ्टी के साथ में श्री राम जी का आशीर्वाद भी है। बाकी आप बताएगा आपको कैसा लगा ये वाला हेलमेट नीचे कॉमेंट्स में जाकर, वीडियो कैसा लगा लाइक करके कॉमेंट करके वो भी बताएगा, ऐसे और भी कुछ इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स की वीडियोस देखने हैं तो कमेंट में वो भी बता सकते हैं। सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ ले रहा हूँ।
हाँ भाई पक्का, एक बार शक्ल कैसी आ रही है, बहुत गंदी लग रही है।